सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक महाजन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जेनेरिक टेकी। सो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है जो नए गेमिंग लैपटॉप्स का लेने का प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसूस की टफ सीरीज के A15 और A17 लैपटॉप्स के बारे में। आपको पता ही होगा कि मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी जिसमें AMD Ryzen 4000 सीरीज की हमने बात करी थी। सो फाइनली दो लैपटॉप्स एसूस की तरफ से जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी आ गए हैं, A15 एंड A17 जो है उन्होंने अनाउंस किए हैं, जो Ryzen 400 सीरीज के साथ आने वाले हैं। सो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लैपटॉप्स हैं, चाहे डिजाइन की बात करूं, लुक्स की बात करूं, ड्यूरेबिलिटी की बात करूं, स्पेसिफिकेशंस की बात करूं। सो इन लैपटॉप्स में क्या खास आपको देखने को मिलता है, सबसे पहले कुछ जनरल बातें करेंगे एंड उसके बाद मैं आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन बता दूंगा। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ A15 पे बात करेंगे एंड अलग एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम A17 पे बात करेंगे, ताकि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दोनों ही लैपटॉप्स के बारे में मिल जाए। अगर एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करूंगा तो चीजें मिस हो सकती हैं एंड आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल एंड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग आपके लिए। आशा करूंगा कि आप एंड तक देखोगे, अच्छी लग जाए तो लाइक कर देना, वीडियोस और देखना चाहोगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मुझे नीचे कमेंट कर जरूर बताना कि A17 की वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। बढ़ते हैं वीडियो के साथ आगे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर A15 के डिजाइन से हम स्टार्ट करें तो डिजाइन में भाई साहब क्या कहना, ASUS ने कोई कसर नहीं छोड़ी है इस बार डिजाइन में। आप ऊपर से लेके नीचे तक पूरे लैपटॉप को देख सकते हो, कीबोर्ड को देख सकते हो, बॉटम का डिजाइन देख सकते हो, साइड का डिजाइन देख सकते हो। जो मेटालिक लुक इन्होंने इस बार लैपटॉप को दी है वो तारीफ के काबिल है एंड मुझे पर्सनली ये लैपटॉप देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद अगर लुक्स के बाद हम आगे बढ़ें एंड बात करें परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हो विंडोज 10 प्रो तक आपको देखने को मिलेगा, राइजन 4000 सीरीज, RTX 2060 ग्राफिक्स कार्ड, 3200 मेगाहर्ट्ज की आपको DDR4 रैम, 32GB तक एक्सपेंड कर पाओगे, 1TB SSD, 2 SSD के स्लॉट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल लैपटॉप में आपको हर चीज मिलेगी। दोस्तों, डिटेल स्पेसिफिकेशन मैं आपको जरूर बताऊंगा, ये एक जनरल बात मैं आपके साथ कर रहा हूं जो वेबसाइट में ऑफिशियली आपको देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं इस लैपटॉप की और डिटेल्स में बात करूं तो आपको इसमें 90 Wh का बैटरी देखने को मिल जाएगा, 48 Wh वाला भी मिलेगा, बट यहां पे 8.7 Hr तक का आपको बैटरी बैकअप मिलेगा वेब ब्राउजिंग के टाइम एंड 12.3 Hr का आपको वीडियो प्लेबैक देखने को मिलेगा, जो एक काफी इंप्रेसिव चीज है। इसके बाद बात आती है दोस्तों डिजाइन की एंड डिजाइन में मैंने पहले ही बताया काबिले तारीफ डिजाइन है। यहाँ पे आपको हनीकॉम ग्रिप देखने को मिलेगी, यानी एक टेक्सचर मिलता है हनीकॉम की तरह जो बॉर्डर में आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हो। मेटल फिनिश आपको देखने को मिलती है ताकि आपको एक स्लीक डिजाइन जो है फ्यूचरिस्टिक स्टाइल आपको प्रोवाइड किया जा सके। उसके बाद आपको ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा टफ मिलती है, मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी, जिसके बारे में हम बात करेंगे एंड ऑब्वियसली स्लीक डिजाइन है जो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव लुक दे रहा है इस लैपटॉप को। वहीं अगर ड्यूरेबिलिटी की जैसे मैंने बात की, मिलिट्री ग्रेड आपको टफनेस देखने को मिलती है, जिसके तहत ये लैपटॉप जो है एक्सपोज किए जाते हैं ड्रॉप्स, वाइब्रेशन, ह्यूमिडिटी एंड एक्सट्रीम टेम्परेचर के टेस्ट इस पे परफॉर्म किए गए हैं एंड टफनेस जो है वो बहुत ज्यादा है इन लैपटॉप्स में एज पर ASUS। उसके बाद दोस्तों, आपको जो है विजुअल्स में भी काफी ध्यान दिया गया है, जहां पे आपको IPS स्क्रीन्स दी गई हैं, 144Hz तक आपको रिफ्रेश रेट भी मिलता है एंड आपको नैनो एच डिस्प्लेस देखने को मिलती हैं। तो ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव है इस लैपटॉप में। वहीं अगर कीबोर्ड की बात करूं तो आपको RGB बैक लाइट देखने को मिलेगी एंड कीबोर्ड भी यहाँ पे जो है न्यूमेरिक कीज अलग से आपको देखने को मिलेंगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपको RGB सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। ऑडियो की बात आती है तो यहाँ पे आपको इमर्सिव सराउंड साउंड मिलेगा, जिसके कारण आपको 1.86 लाउडर वॉल्यूम, 2.7 टाइम्स डीपर बास आपको देखने को मिलेगा, जो आपके ऑडियो एक्सपीरियंस को बहुत ही ज्यादा एनहेंस करेगा। थर्मल डिजाइन भी यहाँ पे काफी इंप्रूव किए गए हैं, तो थर्मल आपका जो टेम्परेचर है वो भी काफी अच्छे से मैनेज होगा लैपटॉप में। दोस्तों, इसमें एक और चीज अच्छी है कि आपका जो अपग्रेडेशन पार्ट है वो बहुत ज्यादा इजी किया है कंपनी ने। यहाँ पे लिखा है कि अपग्रेडिंग योर रैम एंड SSD सिंप्लीफाइड विद एन इजी अपग्रेड डिजाइन दैट गिव्स यू फास्ट एक्सेस टू मेमोरी स्लॉट्स एंड स्टोरेज बेस। सो ऑब्वियसली विद अ स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर आप अपने स्क्रू को रिमूव करके बॉटम से ऑब्वियसली अपने डिजायर्ड मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे डिजाइन को भी देखोगे तो आपको यहाँ पे बैक का डिजाइन अच्छे से दिख जाएगा, जहां पे आपको अपग्रेडेबल रैम का भी ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे आपकी SSD भी है, एडिशनल SSD स्लॉट भी देख सकते हो एंड यहाँ पे आपको एक नोट मिलता है
कि एडिशनल एचडीडी स्लॉट जो है वो 90 वाट और बैटरी मॉडल्स में आपको नहीं देखने को मिलेंगे. सो एडिशनल एचडीडी स्लॉट्स नॉट अवेलेबल ऑन 90 वाट आर बैटरी मॉडल्स. वहीं अगर हम इसके पोर्ट्स की बात करें तो पोर्ट्स में आपको ऑलमोस्ट हर ही पोर्ट आपको देखने को मिलता है. लुकिंग एट द ट्रेंड, आपको किंगस्टन लॉक देखने को मिलता है, यूएसबी 2.0 टाइप ए मिलता है, पावर एडाप्टर पावर के लिए आप देख सकते हो आरजे 45 एचडीएमआई 2.0, यूएसबी 3.2 जनरेशन 1 टाइप ए के दो पोर्ट्स आपको मिलते हैं, यूएसबी 3.2 जनरेशन 2 टाइप सी का एक पोर्ट मिलता है और 3.5 एमएम ऑडियो जैक भी आपको देखने को मिलता है. तो आपको पोर्ट्स को लेके भी यहां पे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. उसके बाद दोस्तों हम क्विकली स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालते हैं. वहीं अगर स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो आपको इसमें एएमडी राइजन 7 और राइजन 5 दोनों प्रोसेसर देखने को मिल जाएंगे अलग अलग वेरिएंट्स में, 4800H और 4600H राइजन 5 का. विंडो 10 प्रो और विंडो 10 होम वाले वेरिएंट्स मिलेंगे. रैम की बात की जाए तो DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज एसडी रैम मिलेगी जिसमें आपको दो स्लॉट्स मिल जाएंगे फॉर फर्दर एक्सपेंशन, 32GB तक आप एक्सपेंड कर सकते हो. डिस्प्ले ऑप्शंस में आपको 15.6 इंच की डिस्प्ले मिलेगी, फुल एचडी डिस्प्ले मिलेगी, एक 144Hz का ऑप्शन मिलेगा, 60Hz का ऑप्शन भी मिलेगा और एंटी ग्लेयर आईपीएस पैनल्स होंगे. ग्राफिक्स की बात की जाए तो एनवीडिया का GTX 1660 Ti 6GB वाला वेरिएंट और RTX 2060 विद 6GB. हार्ड ड्राइव की बात की जाए तो आपको 1TB 5400 RPM SATA HDD और सॉलिड स्टेट की बात की जाए तो 256/512 1TB के ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे जनरेशन 3 SSD. दोस्तों आइसोलेटेड आपको न्यूमेरिक कीपैड मिलेगा, मैंने पहले ही बताया. एचडी वेबकैम देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाएगा. एंड मैंने आपको पोर्ट्स के बारे में पहले ही बता दिया है तो आपको ऑब्वियसली आइडिया हो गया होगा. उसके बाद आपको अगर वेट की बात की जाए तो 2.3 kg आपको वेट मिलेगा. किंगस्टन लॉक मैंने पहले बताया सिक्योरिटी के लिए मिल जाता है. सो दोस्तों ये आपको पूरी डिटेल मैंने दे दी है A15 लैपटॉप की. तो वेरिएंट्स की डिटेल भी हम ऑब्वियसली एक अलग से वीडियो बनाएंगे जब भी हमारे पास लिस्ट आ जाएगी, जब हमें डिटेल पता चल जाएगी. सो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया में कब लॉन्च होंगे उसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक चीज पक्का है कि ये लैपटॉप जो है धमाल मचाने वाले हैं, धूम मचाने वाले हैं, जस्ट बिकॉज 4000 सीरीज AMD राइजन के प्रोसेसर हैं. इसमें स्पेसिफिकेशन ओवरऑल बहुत अच्छी है. अब सब कुछ डिपेंड करता है इनके प्राइसिंग पे. सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दो. एंड अगर आप A17 की वीडियो भी देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. इन दैट आई विल से जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट.